फसल में ना रेसे वाला कीड़ा और पतई पीला होते जात हो, तो हमके समझ में नहीं आवा था कि हम हुआ का दवाई छिड़काव सके। उकर तो अच्छा उपाय है, हमने जगन है। हाँ दीदी, हम इन मीटिंग बैठी और चर्चा हो रही, हींग वाला दवाई तो नहीं? हाँ दीदी, वही दवाई। ये दवाई बनाने के लिए क्या क्या सामान लगते सके बता देवा थी। इकर में दीदी 5 सामान लगते। सबसे पहले एक बाल्टी लगते, 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 100 ग्राम चूना, 150 ग्राम हींग, 1 सूती कपड़ा और 1 डंटा, और ये सब सामान 1 एकड़ खेती के लिए दवाई बनाए के लिए हो जाते। अवा तब आप बनाक शुरू करी ला। सबसे पहले 20 लीटर पानी डाल दे। इकर बाद पानी में अखन गोबर डाल दे। अब इकर में 5 लीटर गौमूत्र भी डाल दे। मिला ले भाई सबके, और 4 दिन तक हम इनके साड़े ले छोड़ दे भाई। इके गोबर और गौमूत्र जो डाल ही तो अच्छी तरह पानी में मिल जातो, और इकर में जीवाणु अधिक मात्रा में बढ़ जातो। आज मिला भाई 150 ग्राम हींग। अब इके अच्छा से मिला दे भाई, और 100 ग्राम चूना। अब इके अच्छी तरह मिला दे भाई। अब इके सूती कपड़ा से छान ले भाई। इके सहेले छाना थी कि गौमूत्र और गोबर में कचड़ा रहो लो, तो एक स्प्रे करे ले आसानी हो, तो जिससे कि मशीन में कुछ कचड़ा से ना फंसो के। ई दवाई के फसल में छिड़काव करबे। कोई भी दवाई के दोपहर के नहीं डाली ला, सुबह शाम ही डाली ला। तो यो एक दवाई है के इके धूप में डालबे तो रोशनी, सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़तो और पौधा जलकर मरकर अधिक संभावना रहतो। ई वाला दवाई के 4 सप्ताह तक रख सकीला, और अलग अलग फसल में भी छिड़काव कर सकीला। अच्छा दीदी, इके खाली मतलब छिड़काव करबे? नहीं दीदी, इके खाली नहीं, 2.5 लीटर गोबर हिंग दवाई के 100 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ जमीन में छिड़काव करे के।